हेलो, हमारी क्यू कार्ड सीरीज़ में नेक्स्ट क्यू कार्ड है। जब हमें एंड मौके पे हमारा प्लान चेंज करना पड़ा हो, क्यों चेंज करना पड़ा, क्या नया प्लान था? मैंने यहाँ पे अपना समर हॉलीडेज़ की ट्रिप कैंसिल होने की बात की है। सो लेट्स सी इन इंग्लिश फर्स्ट। आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट वॉन्ट टू चेंज देयर प्लान्स एंड आई एम नो डिफरेंट फ्रॉम देम। बट अनफॉर्चुनेटली आई ऑल्सो हैड टू चेंज माई प्लान लास्ट समर वेकेशन व्हेन आई प्लान टू विजिट मनाली विद माई फैमिली। वी वर एक्चुअली प्रिटी मच एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप एंड आर बैग्स वर ऑल्सो पैक्ड विद ऑल द रिक्वायर्ड नेसेसिटीज। इन फैक्ट वी हैड अ परफेक्ट हॉलीडे प्लान विद एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, दैट इज होटल एंड टैक्सी बुकिंग एंड सो ऑन, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स वेदर। वेल, वी फाइंड आउट जस्ट बिफोर द डे अहेड ऑफ आर शेड्यूल्ड ट्रिप देयर वुड बी अ हेल स्टॉर्म विद हैवी रेन्स इन द एरिया विच लीड टू लैंडस्केपिंग। So the new plan was to stay in hometown and we planned to go for movies in a multiplex where we would enjoy a movie with popcorns and cold drinks, and later on we would enjoy a dinner at a 5-star restaurant. Well, of course this feeling was not good to cancel plans suddenly, but safety is the priority, so I guess it was the best decision. On the other hand, our alternative plan worked out well and we enjoyed our day pretty well. Okay guys, so this was in English. अब मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँगी. सो अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में या मुझे मेल आईडी कर सकते हैं. और अगर आपने अपना वर्जन क्यू कार्ड का चेक करवाना है, उसकी इवेल्यूएशन करवानी है, तो वीडियो के एंड में मेरी ईमेल आईडी आएगी, आप मुझे उस पर भेज सकते हैं. सो आई विल चेक इट एंड आई विल give you the bands accordingly. So let's see, अब हम इसकी translation check करते हैं. मुझे लगता है कि किसी को कोई भी अपना plan cancel करना नहीं चाहता होता या change करना नहीं चाहता होता, और मैं भी उनमें से अलग नहीं हूँ. पर दुर्भाग्यवश मुझे last summer vacation जब हम मनाली जाने वाली थी मैं अपनी family के साथ, हमें वो plan cancel करना पड़ा था. एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उस ट्रिप के लिए और हमारे बैग्स वगैरह सब पैक थे, सब ज़रूरत के सामान के साथ. सो हमने एक परफेक्ट हॉलिडे प्लान कर रखी थी जिसमें सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल था, जैसे कि हमने होटल की बुकिंग और टैक्सी की बुकिंग वगैरह सब करवा रखी थी. बट एक चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं थी, वो था मौसम. हमें हमारे जो शेड्यूल ट्रिप था जिस दिन हमने जाना था उससे एक दिन पहले पता चला कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है और बारिश के साथ, जो कि जिसकी वजह से धरती खिसक भी सकती है, लैंडस्केप हो सकते हैं. सो हमारा नया प्लान ये बना कि हम घर पे रहेंगे और हम घर अपने होम टाउन में ही कहीं किसी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने चले जाएंगे, जहाँ पे हम पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ अपनी मूवी इंजॉय करेंगे और रात को हम किसी 5-स्टार रेस्टोरेंट में डिनर कर लेंगे. सो ऑब्वियसली ये फीलिंग जो थी प्लान कैंसिल होने की एकदम से, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. बट सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी होती है, तो हमें सावधान रहना हमारी प्रायोरिटी है, हमारा पहला काम है. सो आई थिंक कि ये सबसे अच्छा डिसीज़न था कि हम वो प्लान कैंसिल कर देते. और जबकि जो हमने अल्टरनेट प्लान, मतलब हमने दूसरा प्लान बनाया था, वो काफ़ी अच्छे से वर्कआउट कर गया. मीन्स हमने वो ठीक रहा प्लान हमारा जो हमने बनाया था. हमने काफ़ी इन्जॉय किया उस दिन हमारे होम टाउन में रहते हुए भी. ओके गाइस, सो दिस वाज इट. दिस वाज क्यू कार्ड इन हिंदी. और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. और अगर आपको अपना क्यू कार्ड आप अपने वर्जन में बनाओगे, ऑब्वियसली प्लीज़ इसको क्रैम मत करना, क्योंकि आप क्रैम करके जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे स्पीकिंग में. आप अपने वर्जन में बनाइए. ये वीडियो सिर्फ आपको हेल्प आउट करने के लिए हैं, तो वो आप चेक करवा सकते हैं ऊपर दी गई मेल आईडी पे भेज के. सो बिफोर गोइंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.